मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की ग्रामीण सोसाइटियों में राशन दुकानों का केवाईसी को लेकर पिछड़ा होने के कारण एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने दुकानदारों को फटकार लगाई। बता दें कि जिले में राशन दुकानों पर केवाईसी नहीं होने से क्षेत्रवासियों को राशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे क्षेत्रवासी लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं क्षेत्रवासियों की इन्हीं समस्याओं को लेकर एसडीएम पल्लवी पौराणिक ने जिले की 9 दुकानों पर 5,000 का जुर्माना लगाया, साथ ही समीक्षा बैठक बुलाकर दुकानदारों को फटकार लगाते हुए शत प्रतिशत केवाईसी करवाने के निर्देश दिए। बुरहानपुर जिले को प्रदेश में 5वें नंबर से अव्वल दर्जे पर लाने के लिए कवायद भी की जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि कब तक बुरहानपुर जिले में 100% केवाईसी हो पाएगा। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। सभी सेल्समैनों को हमने आउट किया था और जैसे कि शासन के दिशा निर्देश है कि 100% PKYC और 100% मोबाइल सेलिंग हो, उसको लेकर ही आज ये बैठक आयोजित की गई थी। जिन लोगों की 70% से कम काम हुआ है, उन सभी को नोटिस जारी कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। पहले भी हमारे यहाँ कुछ 9 सोसाइटी ऐसी थी जिनका काम 70% से कम था, उनके हमने पहले नोटिस जारी किया, उनके कारण अनेक्शन और प्रगति नहीं है, तो फिर उन पर 5,000 रुपए के अर्थदंड भी आरोपित किए गए हैं और ये प्रक्रिया आगे भी निरंतर चलती रहेगी जब तक कि हमारा मनोवांछित पूरा टारगेट पूरा न हो जाए।